हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये खासतौर पे पुशअप्स के अलग अलग वेरिएशंस के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इस पुशअप्स वेरिएशन में सबसे पहले हम देखेंगे जो बेसिक पुशअप्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल जिसको हम पुशअप करते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग होता है, कोई भी बिजनेस जो है स्टार्ट करते हैं उस पुशअप से। इसके हम कम से कम 3 सेट लगाएंगे और रेपिटेशन जो है वो 10-10 का रहेगा। 10-10 क्वांटिटी में मारेंगे इसको हम, और कम से कम इसका 3 सेट्स हम लगाएंगे। इसका जो टारगेट मसल्स है वो आपका पूरा, ये बेसिक है, ये कोर भी डेवलप करता है, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, इन सब को ये ट्रेन करता है नॉर्मल पुशअप। ये देखिए, ये जो नेक्स्ट वेरिएशन है, इस वेरिएशन में सारा मसल्स आपका टारगेट होगा और इसमें बैक और जो आपका कमर है उसको भी ये टारगेट करेगा। ये जो न्यू वेरिएशंस का ये पुशअप है। अब हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और आफ्टर रेस्ट हम न्यू वेरिएशंस को ट्राई करेंगे पुशअप का। आज जो वीडियो है, आज के वीडियो में सारा का सारा पुशअप का अलग अलग वेरिएशंस बताया गया है और अलग अलग वेरिएशन पे क्या क्या टारगेट मसल्स होंगे वो सारी चीज़ें। ये देखिए नेक्स्ट वेरिएशन है और इस वेरिएशन में आप देखोगे नॉर्मल पुशअप की तरह ही होना है, उसके बाद थोड़ा सा जंप करना है। ये एक आपका स्टेमिना बूस्टर है, ये आपका स्टेमिना और पावर को बूस्ट कर देगा, यहाँ तक कि इसमें आपको जो आपका फोर आर्म्स है वो भी ट्रेन होगा, जैसे कि आपका रिस्ट जो कमज़ोर है उसको भी ये स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब हम नेक्स्ट वेरिएशन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट वेरिएशन में हम देखेंगे कि उस वेरिएशन में कौन से मसल्स को ये पुशअप टारगेट करेगा। नॉर्मल पुशअप की तरह से हो जाना है और इसके बाद देखिए वाइड एंड क्लोज पुशअप में आपका जो चेस्ट मसल है और जो लाइनिंग है चेस्ट के बीच का, वो भी आपका अच्छे से ट्रेन होता है। इसके अलावा जो मैं पहले से बता चुका हूँ, आपका शोल्डर हुआ, ट्राइसेप हुआ, बाइसेप हुआ, फोर आर्म्स हुआ, क्योंकि आप इसमें जंप भी कर रहे हैं, आपका रिस्ट हुआ, ये सारा चीज़ टारगेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो देखिए पुशअप जो हमारा है, ये डायमंड पुशअप की तरह है और ये आपको बता दें फ्रेंड्स, ट्राइसेप्स के शेप को डेवलप करने के लिए दी बेस्ट एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप। तो आपको इसके 10 पुशअप इसके लगाने हैं, कम से कम 3 सेट्स कंप्लीट कीजिए, काफ़ी अच्छा आपका जो ट्राइसेप का मसल है वो डेवलप होकर निकल के आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसके बाद थोड़ा सा हम अब रेस्ट लेंगे और आफ्टर रेस्ट हम पुशअप के न्यू वेरिएशन की तरफ चलेंगे और नए वेरिएशन में देखेंगे कौन सा मसल टारगेटेड होता है। तो ये हम नॉर्मल पुशअप की तरह हो जाते हैं। उसके बाद देखिए ये शोल्डर ट्रैप पुशअप कहा जाएगा, इसमें हमको पुशअप भी लगाना है, उसके बाद वन हैंड पे स्टैंड होकर और दूसरे हैंड से अपने शोल्डर को बारी बारी से टैप करना है, टच करना है। ये काफ़ी अच्छा लगेगा आपको पुशअप करने में, बहुत ही इंजॉयफुल आप फील करेंगे इस पुशअप में और आपका जो मसल है, कोर मसल है, वो भी आपका इसमें टारगेट होगा और काफ़ी अच्छा ये डेवलप करता है आपके बॉडी का, बैलेंस भी बनाता है, यहाँ तक कि आप अपने फुल बॉडी को सिंगल हैंड पर आप बैलेंस करना सीख जाएगा। आपका जो सिंगल हैंड है उसको आपका पूरा बॉडी का बैलेंस लेने के लिए आप उसको टारगेट करते हैं। अब इस पुशअप के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, आफ्टर रेस्ट हम न्यू वेरिएशन की तरफ चलेंगे। अभी आपने अपने वन हैंड पर बैलेंस देना आप सीख गए हैं, आपका एक जो हैंड है वो अपने बॉडी को बैलेंस ले रहा है। अब नेक्स्ट पुशअप की तरह हम चलेंगे और इस पुशअप वेरिएशन में देखिए क्लैपिंग है, ये क्लैपिंग करेंगे इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पुशअप की तरह होकर और जंप करना है, जैसे कि हम जंप कर रहे थे पिछले वाले सेशन में, और यहाँ पे उसमें क्लैपिंग भी साथ में डालेंगे, काफ़ी आपका ये पावरफुल पुशअप है। उसके बाद देखिए ये न्यू वेरिएशन है, न्यू वेरिएशन में हम हैंड रेज करेंगे ओवरहेड, ये भी काफ़ी अच्छा पुशअप है। और नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम दोनों हैंड एक साथ रेज करेंगे
वो थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बना पाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा और बनाकर आपको मैं दिखाऊँगा। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हम लेते हैं और थोड़ा थोड़ा इस तरह इस पोजीशन में भी होकर पुशअप को आप लगाते हो तो आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है, साथ में आपका बहुत सारा मसल्स टारगेट होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपका नेक्स्ट है इंक्लाइन पुशअप, और ये पुशअप जो है आपका है अपर चेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, आपके पूरे शोल्डर ट्राइसेप रिस्ट जो फोर आर्म्स है उनको टारगेट करता है, आपका कोर मसल्स भी डेवलप होता है, काफ़ी अच्छा है ये, बहुत ही हार्ड पुशअप है और इसमें आपका जो बॉडी का पूरा वेट है वो आपके हैंड के ऊपर रहता है। आप हैंड स्टैंड जो है उस एक्सरसाइज को यदि कर रहे हैं तो इस पुशअप को आप लगाइए, काफ़ी आपको अच्छी सहायता मिलेगी इसके थ्रू। अब देखिए हम वॉकिंग करेंगे इसमें, और ये भी काफ़ी आपका हैंड स्टैंड वॉकिंग में आपका काफ़ी यूजफुल एक्सरसाइज है ये। उससे पहले स्टार्टिंग आप इससे करते हो तो आप जल्दी से हैंड स्टैंड वॉकिंग करना सीख जाते हो। ये भी आपके हाथों को चलना और उसको आपके होल बॉडी को बैलेंस देना भी सिखाएगा, और आपका ये टारगेटेड करेगा, आपके स्टेमिना क्रिएट करेगा कि आप वो हैंड स्टैंड होकर वॉक कर सकें। उसके बाद थोड़ा सा हम रेस्ट लेंगे। आफ्टर रेस्ट एक इस वीडियो में नया तरह का पुशअप किया गया है, पुशअप भी करेंगे, पुशअप की पोजीशन में ऊपर डाउन हो जाएंगे, उसके बाद हम जंप करते हुए आगे की तरफ रनिंग करेंगे। देखिए ये काफ़ी इसमें इसको करते समय काफ़ी बॉडी को बैलेंस करना था, इसके बाद इतना ज़बरदस्त और हार्ड ये एक्सरसाइज है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में अलग पुशअप के वेरिएशंस लाएंगे, और भी टफ लाएंगे, एडवांस लेवल के पुशअप्स लाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, धन्यवाद।